हाय दोस्त, आपका अनिका टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप ऑनलाइन एटीएम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एटीएम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके के लिए हम अभी बताता हूँ। कोई भी बैंक है, आप किस तरह पूरा इजी से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, अब घर बैठे मोबाइल से। ठीक है, इसके लिए सीधा आपको नेट ऑन करना है और सीधा क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है जिस तरह हम ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सीधा सर्च करना है कोई भी बैंक का। यदि आप एसटी बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आप बैंक ऑफ इंडिया का करना, मान लीजिए मैं बैंक ऑफ इंडिया का, मेरा एटीएम बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, मेरा अकाउंट, तो उसके लिए हमको क्या करना है, BOI सर्च करना है। ठीक है, BOI सर्च करने के बाद आप सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद देखिए, ये पहला बैंक ऑफ इंडिया पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल को डेस्कटॉप साइज कर लेना है। डेस्कटॉप साइज करने के लिए क्या करने पड़ेगा, ये लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ है डेस्कटॉप साइज, इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, अलाउ कर देना है, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। देखिए, मोबाइल आप डेस्कटॉप वर्जन और कंप्यूटर के वर्जन में खुलने लगा। जैसे आप खुलेगा, आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद देखिए यहाँ लिखा है, ये पहला इंटरेस्ट ऑन आवर प्रोडक्ट्स, आप इस पर क्लिक करना है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई पर क्लिक करना है। देखिए ये अप्लाई है ना, इस पे आप क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो वर्जन मिलेगा। ठीक है, अप्लाई आप जिस बैंक अकाउंट का खाता है उसका, आप जिस खाते पर जिसका नाम है वो यहाँ इंटर करना है। तो मेरा नाम देखो राजेश विश्वकर्मा, VIS विश्वकर्मा है, इसको सर्च किया। आप मोबाइल नंबर जो आपका अकाउंट में जुड़ा हुआ वेरीफाई है, उस नंबर को यहाँ सेलेक्ट, पहले यहाँ सेलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो मोबाइल नंबर जिस अकाउंट में आप दिए हैं, जो नंबर आपका अकाउंट में रजिस्टर है, उसी नंबर को आपको डालना है। ठीक है, तो मैं डालता हूँ। ठीक है, डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना है। अब अकाउंट में जिसका ईमेल आईडी है, उस पर आप कोई भी ईमेल आईडी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ स्टार है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी डालने के लिए आप, मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना प्रोडक्ट, आप किसका प्रोडक्ट, आप क्या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए। तो मैं क्या करना, ATM का अप्लाई कर रहा हूँ डेबिट कार्ड के लिए। तो आप इस पे, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। तो इस बॉक्स पर जैसे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ एस करना है। क्यों एस करना है, कि आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, तभी आप अपना एटीएम को, आप पता चलेगा उसका कि इस अकाउंट का नंबर से ही एटीएम दिया जाएगा। आप यहाँ नो कर देंगे तो आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगे। जैसे देखिए अभी नो कर दिया, सीधा स्टेट मांग रहा, इसलिए मैं एस करता हूँ। एस करता हूँ, यहाँ अकाउंट नंबर मांगेगा। आपको अकाउंट नंबर फिलअप करना है, फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेट के हैं। तो मैं कहाँ का, झारखंड का, तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। झारखंड सेलेक्ट करने पर आप यहाँ सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी, आपका बैंक जो है कहाँ पे, आप सिटी को इति करना, तो सीधा नीचे आता हूँ, मेरा कोड़ाड़ी गगनपुर है। ठीक है, गंगापुर, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप कोड को फिलिप करना है। टाइप कोड के लिए यहाँ आएगा टाइप कोड, देखिए ये है, तो इसको फिलिप करना है, ये कैप्चर कोड डालना है। तो इसको कैप्चर कोड डालने के लिए आपको सीधा O C 7 M 4 Q, फिर Q, अब इस तरह कर लेना है। पूरा अकाउंट नंबर आपको वेरीफिकेशन
कलर मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ, पूरा फिलिप करता हूँ। मैं फिलिप कर लिया अकाउंट नंबर, अब इसको मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका इस तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कैप्चर कोड गलत था इसलिए इतनी नहीं हुआ। उसके बाद आपको फिर से कैप्चा कोड डाल लेना है, QZN9VYJ, इस पर सबमिट कर देना है। अब देखिए मेरा दूसरा स्टेप खुलने लगा है दोस्त, अब इस तरह खुलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि डियर, देखिए डियर राजेश विश्वकर्मा, ठीक है, यू रिकेन सबमिटेड सक्सेसफुल ऑफ द डेबिट कार्ड प्रोडक्ट, थैंक यू रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, आप इसको इस तरह सेलेक्ट कीजिएगा। फिर और एप्लीकेशन टोकन नंबर देगा, ये नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ATM कहाँ है। मैसेज भी आ गया नंबर पर, ठीक है, एनी विन द नोट विल कॉन्टेक्ट विद द 3 मिनट्स। बैंक ऑफ इंडिया, किसका सेलेक्ट किया मैं, बैंक ऑफ इंडिया का। मैं अब चेक करता हूँ मैसेज में क्या दिए। अब जैसे मैसेज को खोलिएगा उसमें आपको सीधा सीधा बताया गया होगा कि आप देखिए आया बीओ बैंक ऑफ इंडिया से, थैंक यू सर्विंग स्टेटेड ऑफ द प्रोडक्ट आवर स्पेंट विल द कंट्री विद 3 मिनट्स और यू मेल कॉल द टोल फ्री नंबर। आप इस नंबर टोल फ्री पर नंबर पर कॉल किया और पता कर सकते हैं क्या मेरा ATM को अप्लाई हुआ है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए ATM का रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है। अब रेफरेंस नंबर देता है उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको इसको रेफरेंस नंबर देने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ATM कहां तक आया। ठीक है, इसके लिए चेक करने के लिए सबसे अच्छा क्या करना होगा, आपको उसी वेबसाइट पर जाना होगा जिस वेबसाइट पर आप अप्लाई किए हैं। अब यहां जाके आपको सीधा नीचे आना है। ठीक है, देखिए आई अप्लाई है, आप नीचे देखिए ट्रैक, देखिए नीचे क्या दिया, ट्रैक स्टेटस पर आप क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस पर आप जैसे क्लिक कीजिए आपका इन मांगा, देखिए रेफरेंस नंबर, क्या मांगा, रेफरेंस नंबर। आप रेफरेंस नंबर को यहाँ फ्लिप कर देना है। टाइप ऑफ द कोड इज 200, ये जो लिक्विड कोड दिया है इसको यहाँ शो करके सबमिट चेक नाउ पर क्लिक कर देना, आपका कहाँ तक पहुँचा ये बता देगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूलें दोस्त। मेरा हर प्रकार का वीडियो, इसी तरह का वीडियो आएगा, आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को।